ग्वालियर चंबल अंचल की टशन वाली जश्न शादी शादी में हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन किया गया और खुलेआम जमकर खुले आसमान में गोलियां चलाई। वीडियो में देख सकते हैं मैरिज गार्डन में बंदूकों की गोलियों के साथ दूल्हे की धमाकेदार एंट्री हुई। एंट्री करने के दौरान पास चल रहे लोगों ने भी दनादन फायर किए। आपको बता दें कि 5 लाइसेंसी राइफल को धमाकेदार एंट्री कराई गई। जमकर हुए हर्ष फायर एक के बाद एक दनादन फायर। दूल्हे के साथ मौजूद 5 हथियारबंद युवकों ने किए फायर। दिखाया टशन चंबल वाला। ये वायरल वीडियो ग्वालियर के मुरार थाना इलाके के खुरूरी में हुई शादी का बताया जा रहा। क्राइम ब्रांच पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है और फायरिंग कर रहे लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है। और सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो वायरल हुआ है, मेरे पास भी मीडिया के माध्यम से आया ये तो ये अभी उसमें जो लिखा हुआ है कि ये थाना मुरार के अंतर्गत जो खेरिया है उसके मैरिज गार्डन का है, जिसमें 4-5 युवक लगातार बिना रोके फायरिंग कर रहे हैं। एक शादी का सेटअप वहाँ लगा हुआ है। तो अभी फिलहाल इस तथ्य की जांच की जा रही है और अगर ये खैरिया का ही होगा और निश्चित रूप से अगर किसी मैरिज गार्डन में का होगा तो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए जाएंगे उस मैरिज गार्डन के, और उसमें जो भी व्यक्ति होगा उनको आइडेंटिफाइड किया जाकर उनके खिलाफ FIR रजिस्टर किया जाकर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, लगातार देखा जा रहा है वीडियो के वायरल हो रहे शादियों में, इसीलिए जो लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह के कई जो लड़के हैं जो नाबालिग भी हैं बालिग भी हैं वो लोग फोटो खिंचवाते हैं पिस्टल के साथ कट्टे के साथ, या फिर अपना कोई वीडियो बनाते हैं और उस पिस्टल या कट्टा रख के। तो ये सारे जितने भी जो सोशल मीडिया पर इस तरह के जो इवेंट्स लोग बनाकर भेजते हैं, ये हमारे जो मीडिया के माध्यम से आम जनता के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जब प्राप्त होते हैं तो पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री रमेश सांगी सर के द्वारा लगातार ये मुहिम चलाई गई है, जिसमें क्राइम ब्रांच को ये टास्क दिया गया कि इस तरह के जो भी इनपुट्स आते हैं इन पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाकर FIR रजिस्टर की जाकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि आगे चल के जिस तरह सोशल मीडिया का प्रचलन लगातार तेजी से इस तरह का जो फैशन टाइप का सा हो गया है उस पर रोक लगाई जा सके। तो क्राइम ब्रांच के द्वारा इसमें अभियान चलाया जाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।